ओके तो भाई फाइनली 10 सालों बाद हमें प्रॉपर तरीके से आज हमें रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज का सेगमेंट देखने को मिला। रैंडी ऑर्टन ने आज के स्मैकडाउन को प्रूफ कर दिया आखिर क्यों रोमन रेंज के डैडी है, उन्होंने रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ इस पूरे सेगमेंट के अंदर आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग हमारे ट्रैवल चिप रोमन रेंज के द्वारा देखने को मिला। भाई बिलीव करो बहुत अच्छा वाला यहाँ पर फीलिंग आ रहा था। भाई रोमन रेंज यहाँ पर सोलो सिकोवा पॉल एवन यहाँ पर जिमी उसो के साथ जिस तरीके के पहले के टाइम पर ये चार पांच लोग मतलब एक ही साथ इंटरेस्ट करते थे मतलब ओल्ड वाला यहाँ पर वाइब आ रहा था। रोमन रेंज सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं, आपको पता है भाई रोमन रेंज क्या कहेंगे, सबसे पहले सारे लोग को एक नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही सारे लोग एक नॉलेज कर लेते हैं रोमन रेंज पार्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात करना शुरू करते हैं। रोमन रेंज बोलते हैं कि एक इंसान है जो कि मेरे बाद नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरा साम्राज्य जो आज करेंट टाइम मेरा है कल उसका होगा, वो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनेगा। और भाई यहाँ पर रोमन रेंज किसके बारे में बात कर रहे थे ये चीज कोई कंफर्म नहीं था, पर भाई यहाँ पर जिमी उसो अपने आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे। जिमी उसो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे थे कि रोमन रेंज शायद उनके बारे में बात कर रहे हो, रोमन रेंज उनको आगे बुलाते हैं। साथ ही साथ रोमन रेंज यहाँ पर सोलो सिकोवा के पास जाते हैं, सोलो सिकोवा से जाके यहाँ पर गला वगैरह मिलते हैं। भाई यहाँ पर क्या सीन चल रहा था सच में यहाँ पर समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ पर भाई थोड़ा सा रोमन रेंज ऑकवर्ड यहाँ पर बिहेव कर रहे थे। इस पॉइंट पर जितने भी क्राउड थे एरिना के अंदर सारे लोग यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का नाम पुकारना शुरू कर देते पूरे एरिना के। रोमन रेंज बोलते हैं कि नहीं 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 भाई मैं तो रैंडी ऑर्टन का बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। भाई तभी एक म्यूजिक हिट होता है हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन का। भाई फाइनली रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं रोमन रेंज के सामने। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि रोमन रेंज अब तुम्हारा गेम खत्म होने वाला, जस्ट इसी पॉइंट से मैं तुम्हारे पीछे पड़ने वाला हूं। ये गेम आज से स्टार्ट होता है, जाकर रॉयल रंबल के अंदर खत्म होगा, मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूं इस बार का रॉयल रंबल के अंदर। साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन इस बात को बोलते हैं कि तूने मुझे जो इंजरी दिया था उस इंजरी से रिकवर करने के लिए मुझे 18 मंथ का टाइम लगा, मैं पिछले 18 मंथ से सिर्फ एक ही चीज को सोच रहा हूं, मैं तुमसे कैसे बदला लूं, तुम्हारा चैंपियनशिप कैसे मेरे पास है। उसके बाद रोमन रेंज इस बात को बोलते हैं कि अरे अरे भाई मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा तू सच में 18 मंथ से तुम मेरे बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कभी भी बिल्कुल नहीं सोच रहा था, तुम कौन है मैं ये भी भूल चुका था। साथ ही साथ रोमन रेंज इस बात को बोलते कि हर एक दिन एक नया बंदा आता मेरे को चैलेंज कर देता, ऐसे में सबको मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तुम्हें अगर सच में अगर मेरे सामने मौका चाहिए तो तुम्हें उसे हासिल करना होगा, ऐसे में सबको मौका नहीं देने वाला यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के। इस पॉइंट पर भाई सारे एरिना के अंदर सिर्फ एक ही चैंट लग रहा था आरकेओ का। मैं भाई सोच रहा हूँ सच में रैंडी ऑर्टन आरकेओ देंगे ब्लड लाइन के सामने, यहाँ पर एक्जेक्टली रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ तो नहीं दिया पर भाई वो रोमन रेंज का थोड़ा सा गला पकड़ लेते हैं। भाई जैसे गला पकड़ते हैं भाई रोमन रेंज डर के एकदम कोना में सड़ जाते हैं, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन अपना कान के ऊपर कुछ ध्यान देते हैं कि हाँ क्या मतलब नॉइज आ रहा है। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन इस बात को बोलते हैं कि रोमन रेंज तुम्हारा फट चुका है मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। रोमन रेंज का यहाँ पर इस पॉइंट पर सारा सुट्टी पुट्टी गुल हो चुका था। रोमन रेंज यहाँ पर रोप धर के बैठे हुए थे शॉकिंग में। भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने बिल्कुल अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो सीधे रॉयल रंबल के अंदर चैलेंज करने वाले रोमन रेंज को। जहां तक मेरा ख्याल है भाई रोमन रेंज उनके सामने कुछ मैचेस देने वाले, जिस मैच को अगर रैंडी ऑर्टन अगर विन करते तभी वो रोमन रेंज को जाकर चैलेंज करेंगे। ओवरऑल मैं आपको बता दूं भाई इनका मैच होने वाला ये चीज 200% कंफर्म हो चुका है, आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगा। और भाई अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई ये सेगमेंट 10 सालों बाद हुआ था इन दोनों के बीच में, तो उस लेवल का सेगमेंट नहीं था, पर हाँ एवरेज काफी अच्छा सेगमेंट मुझे लगा। वैसे आपको कैसा लगा सेगमेंट सारे लोग बताएगा, साथ ही साथ भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी रिव्यू आना बाकी है चैनल को। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।